इस कोर्स में मैं आपको पीएलसी सर्किट में फॉल्ट कैसे फाइंड करना है यह बताऊंगा। इस कोर्स का पर्पस आपके मेंटेनेंस स्किल को इम्प्रूव करना है। इस कोर्स से आप फॉल्ट फाइंड करने का प्रैक्टिकल नजरिया सीखोगे। अगर आप पीएलसी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो मैंने पीएलसी कोर्स भी आपके लिए अपलोड किया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं। जैसे पीएलसी कोर्स में मैंने आपको बताया था कि पीएलसी को फील्ड से इनपुट आती हैं और सीपीयू, पीएलसी का सीपीयू, उसे एज पर कंट्रोल प्रोग्राम प्रोसेस कर आउटपुट मॉड्यूल से फील्ड में कंट्रोल सिग्नल भेजता है। अब इस कंट्रोल प्रोसेस में कोई फॉल्ट आ जाए तो उसे कैसे फाइंड करना है यह समझाने के लिए एक प्रोसेस एज एग्जांपल लेता हूं। इस प्रोसेस में जब कन्वेयर पर ऑब्जेक्ट आता है तो कन्वेयर मूव करती है। इसके लिए कन्वेयर पे एक सेंसर लगा है जो ऑब्जेक्ट को सेंस करेगा और पीएलसी को सिग्नल देगा कि ऑब्जेक्ट कन्वेयर पे है, और पीएलसी से आउटपुट मोटर को रन करने के लिए आएगा। पर अब जैसे ही ऑब्जेक्ट कन्वेयर पे आया तो कन्वेयर आगे नहीं बढ़ी। अब आपको फॉल्ट ढूंढना है कि क्यों मोटर रन नहीं हुई। फॉल्ट फाइंड करने का इंपॉर्टेंट रूल है कि सबसे पहले प्रोसेस को समझना चाहिए कि प्रोसेस में क्या हो रहा है और क्या लॉजिक प्रोसेस में काम कर रहा है। तो इस प्रोसेस को समझें और देखें कि क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले फॉल्ट इनपुट सर्किट में हो सकता है। इनपुट सर्किट मतलब पीएलसी को फील्ड से जो इनपुट जा रही हैं उसमें, क्योंकि अगर सिग्नल पीएलसी को नहीं मिलेगा तो लॉजिक की कंडीशन ट्रू नहीं होगी। उसके बाद फॉल्ट आउटपुट सर्किट में हो सकता है, मतलब पीएलसी से मोटर को जो सर्किट जोड़ रहा है उसमें, और उसके बाद फॉल्ट पीएलसी में हो सकता है। ओवरऑल व्यू बनाने के बाद अब एक पॉइंट पे फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनपुट सर्किट में फॉल्ट क्या हो सकता है, या कहें अगर इनपुट सर्किट में फॉल्ट है तो कैसे चेक करना है और कैसे पता लगाना है। सबसे पहले सेंसर की आउटपुट चेक करें या चेक करें कि सेंसर ऑन है या नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कन्वेयर पे आने के बाद सेंसर ऑब्जेक्ट को सेंस करेगा और सेंसर की आउटपुट एज इनपुट पीएलसी को जाएगी। सेंसर को चेक करने के बाद आपके पास दो कंडीशन होगी, या तो सेंसर ऑन होगा आउटपुट ओके होगी, या सेंसर ऑफ होगा या ऑन होगा पर आउटपुट नहीं होगी। सेकंड कंडीशन में सबसे पहले सेंसर की ऑपरेटिंग पावर सप्लाई चेक करें, क्योंकि अगर सेंसर को ऑन करने वाली सप्लाई नहीं होगी तो सेंसर ऑन नहीं होगा और आउटपुट नहीं देगा, तो पीएलसी को ऑब्जेक्ट कन्वेयर पे होने का सिग्नल नहीं मिलेगा। अब अगर सप्लाई ओके है और सेंसर ऑन है पर आउटपुट नहीं दे रहा तो सेंसर पोजीशन चेक करें। हो सकता है कि सेंसर पोजीशन ऐसी हो कि वो ऑब्जेक्ट को सेंस नहीं कर पा रहा हो। अब अगर सब कुछ ठीक है, ऑपरेटिंग पावर सप्लाई ओके, सेंसर पोजीशन ओके, पर फिर भी सेंसर आउटपुट नहीं दे रहा या
सेंसर ऑन नहीं हो रहा, तो फॉल्ट सेंसर में है। अब आप सेंसर को चेंज करें या अगर रिपेयरेबल है तो आप उसको रिपेयर करें। अब कंडीशन वन, सेंसर की आउटपुट ओके है, यानी सेंसर की आउटपुट आ रही है, तो इसका मतलब पीछे का सर्किट ठीक है। ऑब्जेक्ट कन्वेयर पे आया और सेंसर ऑन हो गया, पर अब आगे प्रॉब्लम है। तो अब वायर जो सेंसर की आउटपुट पीएलसी पे कनेक्ट कर रही है, चेक करें, हो सकता है कि वायर ब्रेक हो या पीएलसी टर्मिनल पे कनेक्शन लूज हो, क्योंकि तब भी सिग्नल पीएलसी पे नहीं पहुंचेगा। यह प्रोसीजर आपको इनपुट साइड फॉल्ट फाइंड करने में हेल्प करेगा। और नेक्स्ट लेसन्स में मैं आपको आउटपुट सर्किट में और पीएलसी में फॉल्ट कैसे फाइंड करने हैं ये बताऊंगा।